हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हो आप? सब उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम प्रीमियर क्लब चैंपियनशिप के 17 मैच के बारे में बात करेंगे। मुकाबला BBW वर्सेस SUP के बीच में ये मैच खेला जाएगा और इस वीडियो में गाइस हम डीपली एनालिसिस करेंगे किस प्लेयर को यहाँ से आप सबको अपने स्मॉलेस्ट टीम्स में पिक करके चलना है, किस प्लेयर को यहाँ से हमें अपने GL टीम्स में पिक करना है, जो भी हमारे लिए कैप्टन व वाइस कप्तान के इंपॉर्टेंट और डिफॉल्ट प्लेयर्स रहेंगे इनके बारे में भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। साथ ही इनकी पिच रिपोर्ट विद जो बैटिंग ऑर्डर है और लॉजिक बेसिस पे जो डिफरेंशियल और इंपॉर्टेंट प्लेयर्स रहेंगे इनके बारे में भी जानेंगे। तो एंड तक इस वीडियो को देखो ताकि इस मैच से जुड़ी A to Z वो सारी इन्फॉर्मेशन आप पूरी डिटेल्स में जान पाओ। और गाइस सबसे पहले देखो, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए भी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी आने वाली वीडियोज़ वगैरह होंगी इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलेगा। वैसे भी गाइस आप सभी लोगों का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, तो वीडियोस को लाइक करके चैनल को भी हमारे ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करते हैं सबसे पहले इनकी प्लेयर इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो सीरीज़ का ये 17 मैच है जो कि अगर आप देखो तो 8:30 पर मैचेस शेड्यूल्ड है। अगर हम इनकी वेन्यू की बात करेंगे तो जुदगेज फील्ड गुवाहाटी के अंदर ये मैच खेला जाएगा, जिसका एवरेज स्कोर 140-160 के आसपास में ये स्कोर बनते हुए दिखेंगे। बाकी जो पीछे एक तरह से बैलेंसड ही है, जो बॉलिंग बैटिंग दोनों की अच्छी हेल्प कर रही है अभी तक जितने भी इस वेन्यूज़ पे मैचेस खेले गए और चीज़ें पे रिसेंट फॉर्म ये चीज़ें देखने को मिला। बाकी अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम के साथ भी नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ ताकि जो भी फैंटेसी टीम्स स्मॉलेस्ट ग्रैंडलिस्ट की होंगी या फिर जो भी अपडेटेड टीम्स में चेंजेस वगैरह होते रहते हैं वहाँ पर अगर कैप्टन वाइस कप्तान या फिर टीम कॉम्बिनेशन में भी चेंजेस होंगे तो सारे फर्दर अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अब दोस्तों जो BBW की टीम है, खेले गए 2 मैचों में एक जीते तो एक हारे भी थे। अब देखोगे तो इनकी ही टीम की ओर से यहाँ पे आपको दिवास दिखेंगे जिसमें यूपन बैटिंग कराते हुए नजर आएंगे। 39 मैचों में 680 रन है, 18 का एवरेज है। रिसेंट के फॉर्म देखेंगे तो 59 इससे पहले 24 प्लस स्कोर, जिसमें बैटिंग से एक आउटस्टैंडिंग फॉर्म और अच्छे टच में है। इससे पहले भी खेले गए मैचों में बैटिंग देखो तो 20 और 30 के आसपास इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी एज अ प्लेयर इनको यहाँ पे पिक करके जाएंगे। बाकी यहाँ पर दोस्तों अमीर नूर अली है, ग्रैंडलीज के लिए सेफ रहेंगे जो कि रिसेंट के फॉर्म में दिखेंगे तो 14 इससे पहले सिर्फ 5 रन ही था। सामने वाली टीम भी थोड़ी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखेंगी तो 6 मैचेस 122 रन 24 का औसत है। GL वगैरह खेलिएगा तो वहाँ पर आप इन्हें रिस्क ले सकते हैं। उत्तम शाह भी ग्रैंडलीज के ही इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट मैच में 17 इससे पहले लास्ट मैच में सिर्फ 9 रन ही था। इस मुकाबले खेल चुके 471 के एवरेज से 4 विकेट से ही है। देखो इन दोनों में से अगर आपको रिस्क लेना हो और फर्स्ट इनिंग में टीम बैटिंग कराती है तो हम नूर अली के साथ इस मैच में ग्रैंड लीग की कॉम्बिनेशन में भी रिस्क लेकर जा सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट सिद्धार्थ दिखेंगे जिसमें बॉलिंग बैटिंग दोनों ही कराए। लास्ट मैचों में 31 और 1 विकेट 4 इसके बॉलिंग भी था, इससे पहले सिर्फ 1 रन ही दिखेगा। तो 6 मुकाबले 100 रन पूरे 8 विकेट्स यहाँ पर भी दिखेंगे तो कहीं ना कहीं जो बॉलिंग बैटिंग है वो भी ठीक ठाक है। तो आप इनको इस मॉलिंग में लेकर जाओ, हो सके तो 1-2 टीमों में आप इन्हें कैप्टन वाइस कप्तान भी कर सकते हो। अब यहाँ पे जो हमें दिखेंगे तो फर्स्ट मैच थोड़ा अच्छा मुकाबला गया था, 57 का स्कोर विकेटलेस रहे, 3 ओवर्स के बॉलिंग उसके बाद विकेटलेस थे। हालांकि 34 मैचों में टोटल 748 रन 29 के एवरेज और 43 विकेट्स भी दिखेंगे। रिस्क वगैरह लेना होगा तो आप इन्हें CBC वगैरह ग्रैंडलीस और मिनी GL टीम में करना, बाकी स्मॉलिंग में तो एज अ प्लेयर इनको रखेंगे ही। विकेट्स की बात करेंगे तो लास्ट मैच में 1 विकेट, इससे पहले ये विकेटलेस थे और 26 मैचों में सिर्फ 16 विकेट से जो भी फॉर्म है जब बॉलिंग ही दिखेंगे। रिसेंट के फॉर्म में उतना भी खास अच्छा बॉलिंग इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेंगे नहीं, आप इन्हें ड्रॉप करो और ग्रैंड लीग्स वगैरह में ही रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बोनी को भी ग्रैंड लीग्स वगैरह में ही रखेंगे। लास्ट मैचों में 26 प्लस स्कोर, बैटिंग ऑर्डर 7 से 8 नंबर दिखने वाला। हसन सिंह लास्ट मैचों में 13 प्लस स्कोर थे, हालांकि 8 से 9 नंबर ये भी बैटिंग के लिए आ रहे तो ड्रॉप करके ही जाओ। अब यहाँ पर 2 मेन बॉलिंग है, एक तो हो सके तो पवन के साथ जाओ जिसमें इन्होंने 86 मुकाबले 170 विकेट्स, फर्स्ट मैच में 3 विकेट, सेकंड मैच में विकेटलेस है और ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग है। इनके अलावा हम रोहित को रख सकते हैं, लास्ट मैच में 2 विकेट्स निकाले, इससे पहले ये विकेटलेस थे। 32 मैच में 50 विकेट्स दिएंगे तो दोनों ही बॉलिंग इंपॉर्टेंट है। या फिर रिस्क लेना होगा तो आप मिथुन रॉय के साथ जाना, हालांकि 2 मैचों से लगातार ये विकेटलेस आ रहे पर इन्होंने 16 मैचों में 30 विकेट्स भी निकाले जिसमें लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग आते हैं। तो ग्रैंड लीग्स वगैरह के ऑलमोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह सकते हैं और बेंच में से इनके कोई भी प्लेयर यहाँ से इनके खेलेंगे तो बाकी की कई इन सभी प्लेयर्स के स्टैट्स वगैरह आपको हमारे टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड करा देते हैं। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम को हमारे ज़रूर से ज्वाइन करना। अब दोस्तों यहाँ पर जो SUP की टीम है, 2 मैचों में दोनों ही मुकाबले इन्होंने भी जीते और इनकी भी टीम थोड़ी सी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिखेंगी। तो देखोगे तो इनकी टीम की ओर से ओपन बैटिंग कराते हुए यहाँ पर मरीन नजर आएंगे जो कि लास्ट के 2 मैचों में लगातार फ्लॉप रहे, हालांकि लास्ट मैचों में सिर्फ 1 रन ही, से पहले सिर्फ 10 रन ही था।
तो यहाँ से ये ओपन बैटिंग करें, खेलते हैं तो इग्नोर करना, बाकी के जो ज्योति दिखेंगे ना ये आपके लिए जो बैटिंग से सेफ चॉइस है। 16 मैचेस 200 रन 25 करोड़ और खेले गए मैचों में 28, तो इससे पहले 33 प्लस 20 स्कोर था, तो इनको टीम में भी करके ही जाएंगे। हो सके तो आप इन्हें एक दर टीमों में ग्रैंडलिस्ट कैप्टन भी कर सकते हो, बाकी के जो अभिजीत है ये ग्रैंडलिस्ट के लिए ही सेफ है। खेले गए मैचों में 2 इससे पहले सिर्फ 6 रन था, पूरी तरह से फ्लॉप जा रहे, और जीएल वगैरह का डिफरेंशियल प्लेयर रहेंगे तो ग्रैंड लीग्स में इनको ज़रूर आप प्रीफर करके चलो। बाकी के जो सिद्धार्थ शर्मा है ये बॉलिंग बैटिंग दोनों कराएंगे और ये कैप्टन वाइस कप्तान के भी सेफ चॉइस है। लेफ्ट हैंडर बैट्समैन, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग है, 10 मैच में 3 विकेट्स, फर्स्ट मुकाबला 4 विकेट, सेकंड मैच में 21 प्लस 3 विकेट्स था, तो ठीक ठाक स्टार्ट से बॉलिंग बैटिंग दोनों ही कराते हैं तो टीम में लेकर जाना। बाकी के दोस्त यहाँ पर प्रियंक की बात करेंगे तो 12 मैचों में टोटल 138 19 के एवरेज 10 विकेट्स था। ये राइट हैंडर बैट्समैन जिसमें लेग ब्रेकर बॉलिंग कराए, फर्स्ट मैच में 1 विकेट, सेकंड मैच में विकेटलेस थे, पर भी ठीक ठाक प्लेयर है, बॉलिंग बैटिंग दोनों कराते हैं, पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सके तो बॉलिंग ही दिखेंगी, तो आप चाहो तो टीम में इनको ले सकते हो। बाकी के दोस्त यहाँ पर जुगेन दास खेले गए मैचों में 34 और 26 प्लस स्कोर, हालांकि दोस्तों इससे पहले भी 15 मैचों में 229 के एवरेज है। फर्स्ट इनिंग में टीम बैटिंग कराते हैं तो लेकर चलेंगे। बाकी के दोस्तों यहाँ पे नहीम जो नजर आएगा ना ये ग्रैंड लीग के ही टीम के सेफ चॉइस है। अब देखो जो मेन बॉलिंग, एक तो इमरान सिख रहेंगे 18 मैचों में 34 विकेट्स, और राइटे में फास्ट बॉलिंग है, 2 मैचों में 1 एवरेज विकेट टेकर्स है, फर्स्ट मैच में 18 प्लस 1 विकेट्स, तो सेकंड मैच में 2 विकेट्स दिखेंगे, तो बॉलिंग फॉर्म थोड़ी सी यहाँ पे इमरान का इंपॉर्टेंट नजर आएगा। बाकी के दोस्तों रफीउ कली की बात करेंगे तो 114 मुकाबले खेले, 175 विकेट्स था, जिसमें लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग और रिसेंट के मैचों में 2 विकेट्स यहाँ पे भी दिखेंगे, तो दोनों ही बॉलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इनके अलावा हो सके तो रवि छेत्री के साथ आप जाओ, 6 मैचों में 21 विकेट्स, और रिसेंट फॉर्म अगर आप देखेंगे तो 2 विकेट्स 1 विकेट्स नजर आएगा, तो काफ़ी अच्छे टच में ही रहे। और दोस्तों यहाँ पे जो प्रसूर्य नजर आएंगे ना ये ग्रैंड लीग्स वगैरह में ही रखते हैं, लास्ट मैच में विकेटलेस इनकी ओवर्स भी कटे थे, तो आप इन्हें जीएल वगैरह में ही रखिएगा। और बेंच में से देखोगे तो अगर कोई भी प्लेयर यहाँ से खेलेगा तो बाकी के गाइस इन सभी प्लेयर्स के स्टार्ट्स वगैरह आपको हमारे टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड करा देते हैं, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ। बाकी के दोस्तों हम बात करते हैं अपनी टीम कॉम्बिनेशन के बारे में। सबसे पहले तो गाइस अगर आप अब तक मई मास्टर इलेवन ऐप नहीं डाउनलोड किए तो हमारे इन्वाइट कोड FC100 के साथ साइन अप करो, आपको डेली फ्री 100 मतलब FC रेफर कोड यूज़ करोगे ना तो आपको, और गाइस सॉरी हमारे इनवाइट कोड FC100 है, FC100 आप जैसे ही यूज़ करोगे ना तो आपको यहाँ पर 100 रुपीज़ का रियल कैश मिल जाएगा। इनके अलावा देखो IPL के मैच में फ्री गिवे 50,000 रुपये तक है, और इनके अलावा अगर आप देखोगे तो ये जो बांग्लादेश वुमेंस और इंडिया वुमेंस का भी मैच है ना यहाँ पर भी 10,000 रुपये का फ्री एंट्री है, तो आप यहाँ पर जाओ और ये सब कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो। खास बात तो ये है कि यहाँ पर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है, ना विड्रॉल करने पर ना डिपॉजिट करने पर, और जितना आप इन्वेस्टमेंट करोगे, हाई इन्वेस्टमेंट करना है तो लोग कंपटीशन के साथ आप यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे, तो जल्दी से जाओ और फ्री एंट्री ज्वाइन करो। इनके अलावा हमने देखो ऑलरेडी टीम कॉम्बिनेशन इस मैच में क्रिएट करके यहाँ पे रखा था, वो भी चीज़ें देख लेते हैं। और ये 7-4 कॉम्बिनेशन है, टीम में कुछ भी चेंजेस वगैरह करना होगा तो वो चीज़ें आप चेंजेस कर सकते हो, पर हमारे फाइनल टीम के लिए हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन करना, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बाकी मैं मास्टर इलेवन डाउनलोड कर लो, इनवाइट कोड FC100 यूज़ ज़रूर से यूज़ कीजिएगा गाइस, ताकि आपको 100 रुपीज़ का रियल कैश मिले, तो जल्दी से जाओ साइन अप करो और खेलना स्टार्ट करो, बहुत स्मूथ और बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, जितना भी हमारा इन्वेस्टमेंट रहता है वो इसी प्लेटफॉर्म पे ही हम करते हैं।